डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स में गोलीय सतहों से अपवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। चलिए इसमें हम लोग कुछ नया टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। हालांकि पिछले बार में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला यानी कि लेंस मेकर सूत्र को प्रूफ किया था और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि आंकिक प्रश्न को भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक्स की ओर। टॉपिक्स बनाएंगे संपर्क में रखे दो लेंसों का समतुल्य, फोकस दूरी का व्यंजक। चलिए अब देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं कि ये टॉपिक्स क्या लिखा हुआ है। संपर्क का मतलब क्या? एक दोनों बिल्कुल पास में रखे हुए हैं। कौन दोनों भाई? तो दोनों लेंस। अब दो लेंस जब आपस में एकदम बिल्कुल पास में रखा हुआ है, तो जब दोनों फोकस को साथ में रख दिए तो दोनों को मिलाकर फोकस दूरी का व्यंजक कितना होगा, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। यानी सिंपल वे में किसी भी लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है ना, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और भी कई कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको जब संपर्क में रख देंगे, कोई भी दो गो लेंस को आपस में सटा कर मिला कर एक बड़ा लेंस बनाएंगे, तो उसकी फोकस दूरी का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उस फोकस दूरी का जो व्यंजक होता है, सबसे पहले चलिए हम लोग व्यंजक के बारे में सीख लेते हैं कि आखिर व्यंजक क्या है। तो याद रखिएगा, संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस, यानी संपर्क का मतलब बिल्कुल साथ में रखे हुए। तो अब इन प्रूफ कैसे करना है, चलिए इनको हम लोग लिखाया करते हैं। तो फर्स्ट एरो में दिखेंगे लिखेंगे एरो देकर लिखा जाए, माना माना लेंस ए तथा बी, कैपिटल ए, लेंस कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दोनों समतुल्य लेंस है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, हम फिगर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो उसके नीचे फिगर ही ड्रॉ कर लीजिए, उत्तल लेंस का फिगर। एक तो हो गया फिगर, अब एक और फिगर चाहिए, ठीक है। दो तरीके का फिगर हो गया दोस्त। अब ये दोनों आपस में सटा कर रखे हैं, एक का नाम दे देते हैं ये और एक का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो एक का नाम ए है और बी है, और इसके बीच में जो एक रेखा पास करती है ये कहलाता है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ओ एक वस्तु रखा हुआ है, और इस वस्तु का कितना, तो हम लोग यहाँ पे दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखे हुए हैं जैसा कि दिखाया हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हो गया था, फिर से दिखा देते हैं। दो उत्तल लेंस है जैसा कि अभी हम लोग लिखें, और बीच से ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हम लोगों का मुख्य अक्ष हो गया। दो लेंस जिसका नाम है ए तथा बी आपस में संपर्क में रखा हुआ है, और इधर कोई एक वस्तु हो गया जिसको हम लोग ओ बोल रहे हैं,
यहाँ से एक किरणें जाती है और ए पर टकराकर यहाँ पर लौटती है, तो यहाँ से एक किरण आई जिसको हम लोग बोल सकते हैं पहला प्रतिबिंब, मतलब कि आई, और इसी से दूसरा प्रतिबिंब यानी कि यहाँ बोल सकते हैं हम लोग आई डैश, ठीक है। ये इनकरेक्ट फिगर है, फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, ये सही फिगर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को आई डैश है। अब हम लोग ए भी लिखेंगे उसके नीचे एरो देकर, पहले फिगर बना लीजिए, उस फर्स्ट एरो देकर जो लिखे हैं उसके नीचे फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद उसके नीचे लिखेंगे दोनों दोनों लेंस ए तथा बी, दोनों लेंस ए तथा बी का प्रतिबिंब क्रमशः बिंदु बिंदु आई तथा आई डैश पर बन रहा है, आई तथा आई डैश पर बन रहा है। उसके बाद हम लोग दोनों लेंस के लिए अलग अलग काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देकर लेंस लेंस ए के लिए, लेंस ए के लिए। तो जो लेंस आप दो लेंस देख रहे हैं जिसका नाम ए है और एक का नाम बी है, तो दोनों लेंस के लिए अगर आप देख पा रहे हैं लेंस ए के लिए, तो लेंस ए के लिए आप लिख सकते हैं कि वस्तु दूरी, सॉरी हाँ वस्तु दूरी जो हम लोगों का है वस्तु दूरी। तो लेंस ए के लिए याद रखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के वस्तु दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम लोगों का प्रतिबिंब दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रतिबिंब दूरी है। तो लेंस ए के लिए वस्तु दूरी हम लोगों के लिए क्या है, यू, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो लेंस ए के लिए ही प्रतिबिंब बन रहा है हम लोगों के लिए आई डैश, ठीक है। और फोकस दूरी का अगर बात करें तो लेंस ए के लिए जो फोकस दूरी है वो हम लोगों का F1 है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही मान चुके हैं कि दोनों लेंस का फोकस क्या है, F1 और F2 है, यानी कि एक का आई और आई डैश, तो दोनों का फोकस भी अलग अलग है। लेंस ए के लिए फोकस हम F1 कह रहे हैं, तो लेंस बी के लिए फोकस हम F2 बोलेंगे। हालांकि लेंस ए के लिए आप यहाँ पे उसके नीचे लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या बोलता है, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी सॉरी यहाँ पे वी डैश कर दीजिए, क्योंकि आई तो प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे वी डैश, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी हम लोगों का क्या है, वी डैश है। तो यहाँ हो जाएगा एफ वी जो है प्रतिबिंब है, और यहाँ प्रतिबिंब दूरी क्या है, वी डैश माइनस 1/U इज इक्वल टू फोकस। तो फोकस यहाँ पे क्या है, F1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/V' माइनस 1/U बराबर 1/F1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला समीकरण है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर लेंस B के लिए, अभी हम काम कर रहे थे लेंस A के लिए, अब हम काम करेंगे कौन से लेंस के लिए, B के लिए। तो लेंस B के लिए आप अगर देख पा रहे होंगे तो वस्तु दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी, तो लेंस बी के लिए वस्तु दूरी मेरा क्या होगा, तो लेंस बी के लिए जो हमारा पे लेंस ए के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है ये वाला आई डैश, अब बी के लिए ही हमारा अपोजिट साइड में इधर हो गया वस्तु दूरी, यानी कि वस्तु दूरी हो गया दोस्तों वी डैश, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी मान लीजिए हम लोगों का v है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, माना, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी को v मान लिए, लेकिन इसके लिए अगर फोकस दूरी का दोस्तों बात करें, फोकस दूरी तो क्या होगा, F2।
तो यानी कि यहाँ पे हम लोग फोकस दूरी हो गया एफ टू, वस्तु दूरी हो गया वी डैश, और प्रतिबिंब दूरी हो गया वी। अब फिर से भी यहाँ पे पुनः लगाएंगे लेंस सूत्र से। तो पुनः अगर लेंस सूत्र से लगाएंगे तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना। तो लेंस सूत्र का मतलब कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन दोस्त यहाँ पे v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ प्रतिबिंब दूरी क्या है, v है माइनस 1/u, u का मतलब वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी यहाँ क्या है, वी डैश। तो ये हो गया हम लोगों के लिए वी डैश इज इक्वल टू 1/, यहाँ फोकस क्या है, तो यहाँ पे फोकस एफ टू है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, लेंस ए के लिए भी और लेंस बी के लिए, ठीक है। तो लेंस ए के लिए और लेंस बी के लिए हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन बनेंगे, और दोनों जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, तो एक और दो दोनों समीकरण जो मिल रहा है, ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो बराबर के लेफ्ट साइड वाला को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे है 1/v' माइनस 1/u, और यहाँ पे है प्लस 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/v' और 1/v' एक प्लस में और एक माइनस में कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आपको पता है ना, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/f, ठीक है। तो चलिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/f, उसके नीचे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1/f इज इक्वल टू f1 और f2 को हम लोग क्या करेंगे, LCM। तो f1 और f2 को LCM करेंगे तो f1 f2 हो गया। अब f1 से f1 कटेगा तो यहाँ f2 प्लस f1, ठीक है। अब हम लोग इसको व्युत्क्रम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो 1/f का उल्टा f इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो f1 f2 डिवाइडेड f1 प्लस f2। तो दोस्तों यही है हम लोगों को, दो लेंस जब संपर्क में रहते हैं, याद रख लीजिएगा कि जब कोई भी दो लेंस, ठीक है, आपस में संपर्क में रहें, आपस में जब सटे हुए रहें, तो उसका जो फोकस दूरी निकलता है वो कैसा निकलता है, f1 f2 बटा f1 प्लस f2, ये हम लोगों को निकलता है। कब, जब दो लेंस परस्पर आपस में क्या हो, जुड़े हुए हों, मिले हुए हों, ठीक है, तभी ये हम लोगों का फोकस दूरी का फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये फोकस दूरी का फार्मूला क्या है, जब दो लेंस को संपर्क में या संपर्कित, जिसको बोल सकते हैं, संपर्कित किया जाए तो समतुल्य फोकस दूरी। समतुल्य का मतलब ये होता है, समतुल्य फोकस दूरी, और यही हम लोगों को व्यंजक फार्मूला प्रूफ करना था, कि समतुल्य फोकस दूरी का फार्मूला प्रूफ कीजिए कि वो f बराबर f1 f2 बटा f1 प्लस f2 होता है। याद रख लीजिएगा, कोई भी दो लेंस का अगर फोकस दूरी हमको पता है कि दोनों का अलग अलग है, तो उसका हम लोग समतुल्य फोकस दूरी इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन, कोई दो लेंस
कोई दो लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, कॉमा इन्हें आपस में सटाकर रखा जाता है तो आपस में सटाकर रखा जाता है तो रखा जाता है तो समतुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है। तो सवाल को पढ़िए, आपको पता चल रहा है कि कोई दो लेंस है जिसका फोकस दूरी यानी कि क्रमशः लिखा हुआ है, एक का मान लीजिए F1 और दूसरा का मान लीजिए F2। पहला का फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है और दूसरे का 5 सेंटीमीटर है, तो इनका कुल समतुल्य फोकस दूरी हमको चाहिए। तो समतुल्य फोकस दूरी यानी कि जब दो लेंसों को आपस में सटा कर अगर रखा जाता है तो कुल फोकस दूरी का व्यंजक हम लोग फार्मूला प्रूफ किए हुए हैं। क्या होता है फार्मूला भाई? तो फार्मूला होता है F1 F2 बाय F1 प्लस F2। तो आप F1 के जगह पर रख दीजिएगा 2.5, इंटू कर दीजिएगा 5 और डिवाइडेड दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जितना F का वैल्यू आ जाएगा उतना हम लोगों को उतना सेंटीमीटर समतुल्य फोकस होगा। तो ये रहा हम लोगों का समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। तो ये भी हम लोगों का टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि दो लेंस को जो है आपस में सटा कर और फार्मूला प्रूव करना है, ठीक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।